Good morning, students. I am here again to complete the remaining part of the chapters. In part 1, we have completed chemical reaction, chemical equations, how to balance the chemical equation and types of reactions like addition reaction, combination reaction, displacement reaction, double displacement reaction, decomposition reaction. In part 2, we will cover these topics: redox reaction, precipitation reaction, corrosion and its examples with prevention, rancidity, and how to prevent rancidity and what is rancidity. Now coming on the first topic of the part 2, redox reactions. Now what is redox reaction? पहले तो मैं आपको बता दूं, redox reaction उस type का chemical reaction है जो कि बहुत important है आने वाली classes के लिए. Class 11th में भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, class 12th में भी इसकी आपको जरूरत पड़ेगी. तो ये बहुत important type of chemical reaction है जो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा. Now what is redox reaction? Redox reaction एक word है, एक term है जो मिलके बनी है दो टाइप के टर्म्स. तो रिडॉक्स रिएक्शन इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ वर्ड्स, रेड एंड ऑक्स. ऑक्स माने ऑक्सीडेशन, रेड माने रिडक्शन. इन दोनों टर्म्स को जोड़कर एक टर्म बनाई गई है, रिडॉक्स. अब ऐसा क्यों किया गया है कि रिडॉक्स रिएक्शन को एक जगह लिखा गया है? क्योंकि दे बोथ अकर साइमल्टेनियसली, दे बोथ अकर साइमल्टेनियसली. क्योंकि इस टाइप के केमिकल रिएक्शन में अगर एक प्रोसेस होता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ रिडॉक्स रिडक्शन भी जरूर होगा. इसीलिए इसको हम एक जगह पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन करके. तो रिडॉक्स रिएक्शन में दे बोथ अकर साइमल्टेनियसली. नाउ कमिंग ऑन द टॉपिक, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन. कमिंग ऑन द डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. जैसे अगर किसी केमिकल में हम ऑक्सीजन को एड करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन. ऐसे ही उसके साथ साथ अगर प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, देन इट इज कॉल्ड रिडक्शन. क्योंकि इसको ऐसे समझिए, जैसे ये एक केमिकल है और ये एक दूसरा केमिकल है. अगर इसके पास ऑक्सीजन है और इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो अगर इस केमिकल ने, इस रिएक्टेंट ने रिएक्शन के वक्त ये ऑक्सीजन अपना इस केमिकल को दे दिया, तो इसमें से क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, माने इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है. और इसमें जिसमें ऑक्सीजन एड हुआ है, इस केमिकल का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन. बिकॉज प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हैज टेकन प्लेस इन दिस टाइप ऑफ ऑक्सीजन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सेकेंड डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी केमिकल इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सेम जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी केमिकल इज कॉल्ड रिडक्शन. नाउ द थर्ड डेफिनेशन, इट इज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन.
इफ किसी केमिकल के अंदर से हमने इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किया है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है किसी केमिकल में से, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हुआ है यानी कि वहां पर, तो लॉस और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, जस्ट उसका रिवर्स, एडिशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी केमिकल इज कॉल्ड रिडक्शन. Now by taking an example, we can explain what is redox reaction. For example, if we are having two chemicals, A plus B. Now A is having oxygen with it. Now a reaction takes place, and after taking place of a reaction, what is happened? This oxygen has been removed by this AO type of chemical to B. Now what will happen? A remains alone and oxygen will be added to B. Oxygen यहां से हटकर B के साथ चले जा रहा है. ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन. इसको हम केमिकल के टर्म्स में अगर देखें तो अब आप यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस कि एओ में से क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हुआ है इस केमिकल का और इस केमिकल में जाकर ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन. यहां पर ऑक्सीडेशन. नाउ दो टर्म्स हमें और ज्यादा समझने की जरूरत है. वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अनदर टर्म इज रिड्यूसिंग एजेंट. जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, केमिकल रिएक्शन आपको दे दी जाती है और उसके बाद उससे पूछा जाता है कि कौन सा इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा इनमें रिड्यूसिंग एजेंट है. नाउ बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर हैविंग PbO प्लस C. Now tell me what is the answer of this reaction. Here oxygen will be removed from PbO and added to C. Pb plus CO2. Now tell me which one is oxidizing agent and which one is reducing agent. और ये तो आप थोड़ी सी अगर अकल लगा लें तो जो मान लिया जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मान लिया इनमें से किसी का भी ऑक्सीडेशन हुआ है तो उनमें से अब दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन होगा. तो उसी हिसाब से फिर से मैं उसी एग्जांपल के द्वारा आता हूं. सपोज वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ केमिकल्स विच आर इंटरेक्टिंग, लाइक दिस इज वन केमिकल एंड दिस इज अनदर केमिकल वी आर हैविंग, एंड इफ इट इज हैविंग एन ऑक्सीजन, दिस केमिकल इज हैविंग ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन ट्रांसफर कर रहा है ए केमिकल दूसरे केमिकल को, तो इसका क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन माने रिडक्शन, और जिसने ऑक्सीजन को गेन किया है दैट मीन इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है. अब क्योंकि ऑक्सीडेशन करने के लिए किसने इसका ऑक्सीडेशन किया है, इस वाले केमिकल को किसने ऑक्सीजन दिया है, इसने, तो ऑक्सीडेशन करने वाला कौन हुआ, ये वाला केमिकल हुआ, इसके द्वारा ही तो ऑक्सीडेशन किया जा रहा है इसका, तो दैट मींस इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि जिसका रिडक्शन हुआ है, जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसमें ऑक्सीजन ऐड किया गया है
यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसने दूसरे का रिडक्शन किया है, वो खुद क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसका मतलब पीबीओ के द्वारा ऑक्सीजन दिया गया सी को, देखिए यहां पर सी को ऑक्सीजन दिया गया, तो पीबीओ सी का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ये क्या हुआ आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज इट इज द ओनली केमिकल हु इज गिविंग इट्स ऑक्सीजन टू द अनदर केमिकल। और यहां पर कार्बन क्या हो रहा है, जिसका खुद जिसमें आकर ऑक्सीजन एडअप हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन उसने दूसरे का क्या किया है, रिडक्शन कर दिया है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, प्लीज राइट डाउन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर द केमिकल्स दैट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर द केमिकल्स दैट ऑक्सीडाइज अदर केमिकल। Now what is reducing agent? Reducing agent are the chemicals that reduced other chemical. Reduced other chemical, जो दूसरे chemical को का reduction करें, that are called reducing agent। जो दूसरे chemical का oxidation करें, उनको हम क्या बोलते हैं, oxidizing agent। Now coming on the another type of example of this reduced reactions, like we are having CuO plus H2 and the reaction is Cu plus H2O. Now which one is, tell me which one is oxidizing agent and which one is reducing agent, type करें comment box में और मुझे इसका answer दें। Another type of example is MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. Now, what is happening over here? MnO2 में अगर हम देखेंगे कि इसमें से ऑक्सीजन निकल कर क्या बन गया है, MnCl2। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसमें से हुआ है, दैट मीन्स कि इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और यहां पर हम देखेंगे क्लोरीन से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, क्लोरीन से हाइड्रोजन का रिमूवल। नाउ व्हाट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी केमिकल, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। HCl में से क्या हो रहा है, Cl में से क्या हो गया, Cl अब यहां पर अकेला रह गया है, तो Cl में से H का रिमूवल हुआ है, रिमूवल ऑफ H, रिमूवल ऑफ H2 फ्रॉम एनी केमिकल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या हुआ है, यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। नाउ जैसे कि हमने पहले भी पता कर चुके हैं कि जिसका रिडक्शन होता है वो खुद क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद एक क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। Coming on the another topic of the chapter, precipitation reaction.
Now by taking an example, we will explain what is precipitation reaction. For example, if I am having slaked lime, CaOH, whole twice, and if I pass a CO2 gas from this solution, जैसा कि आप सबको पता है, if calcium hydroxide is dissolved in water, it will completely dissolve in water और एक हमको एक clear solution मिल जाएगा. उसी clear solution से अगर हम CO2 pass करें, तो वो CO2 क्या reaction करेगा हम देखते हैं. It will produce calcium carbonate plus water, and this calcium carbonate is a white color substance होने के साथ साथ ये जो केमिकल प्रोड्यूस हुआ है इस रिएक्शन में वो एक अनसोल्यूबल सब्सटेंस है जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता. तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड हो जो कि पानी में सोल्यूबल ना हो और बाद में वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाए सॉल्यूशन में, उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं. और उस सब्सटेंस को जो एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस, व्हाट इज प्रेसिपिटेट, पीपीटी इन शॉर्ट फॉर्म वी विल से इट, प्रेजेंट एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस, प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन is called precipitate and the reaction is called precipitation reaction. Now coming on the another topic, corrosion. सबसे पहले बात करते हैं हम corrosion. Corrosion क्या होता है? Like आपने देखा होगा कि हम नए नए मम्मी घर पे बर्तन लाती हैं, सबसे पहले जैसे ही वो ब्रांड न्यू होता है तो बिल्कुल एकदम शाइनी सरफेस के साथ वो चमकता रहता है, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम धीरे धीरे जब हम उसको यूज करने लगते हैं तो उस पर एक ब्राउन और रेडिश कलर का एक सब्सटेंस बनने लगता है, फ्लेकी सब्सटेंस. और धीरे धीरे ऐसे ही साइकिल के केस में होता है, साइकिल पहले ब्रांड न्यू होती है लेकिन थोड़े दिन बाद इस्तेमाल के बाद उस पर एक फ्लेकी सब्सटेंस बनना शुरू हो जाता है, तो वो क्या होता है, एक टाइप का ईटन अप ऑफ मेटल हो जाता है बाय द एटमोस्फेरिक एजेंट्स लाइक O2, CO2 एंड H2O. तो इसी टाइप के प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं. नाउ व्हाट इज कोरोजन, राइट डाउन द डेफिनेशन. द प्रोसेस ऑफ अटैकिंग ऑफ एटमोस्फेरिक agents like O2, CO2 and H2O, which is called moisture in atmosphere, on the metal surfaces is called corrosion. For example, there are three types of corrosion जो कि exams में पूछे जाते हैं and sometimes इसमें students गलती करते हैं. सबसे पहले हम type of corrosion पढ़ेंगे, that is rusting. Rusting एक type of corrosion है जो सिर्फ iron के केस में देखने को मिलता है. फिर होता है tarnishing of सिल्वर, टार्निशिंग ऑफ कॉपर. ये तीन एग्जाम्पल हैं और रस्टिंग इसमें खास तौर से सिर्फ आयरन के साथ जुड़ा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी यूज Fe प्लस O2 प्लस
मॉइस्चर दैट इज एटमोस्फेरिक वाटर। और इससे हमें एक एग्जांपल इस रिएक्शन, ये एक रिएक्शन होगा आयरन के सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में, और हमें कंपाउंड मिलता है दैट इज आयरन ऑक्साइड। Which is reddish brown substance. It is Fe2O3 point XH2 iron oxide. Now what is? तो generally corrosion, rusting corrosion का एक type है जो सिर्फ किसके साथ जुड़ा हुआ है? Iron के साथ। और इसमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स क्या है कि अगर Fe और ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर अगर प्रेजेंट होंगे तो ही ये होगा, अदरवाइज इनमें से एक भी चीज नहीं होगी तो रस्टिंग ऑफ आयरन विल बी नॉट टेक प्लेस। ओके, व्हाट इज टार्निशिंग ऑफ सिल्वर? सिल्वर व्हेनेवर कम्स अंडर द कॉन्टैक्ट ऑफ सल्फर और सल्फर टाइप ऑफ कंपाउंड्स like H2S, then it will form silver sulfide. It is black in color. आपने देखा होगा चांदी की ज्वेलरी शुरू शुरू में बहुत चमकती है, बहुत ज्यादा शाइनी होती है, बट कुछ दिन गुजरने के बाद आफ्टर लॉन्ग टर्म वो धीरे धीरे काली पड़नी शुरू हो जाती है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ टार्निशिंग ऑफ सिल्वर टाइप ऑफ कोरोजन विच इज ड्यू टू अटैकिंग एजेंट। उसके लिए कौन होता है? सल्फर या फिर सल्फर के कंपाउंड लाइक H2S, ओके, सल्फर सल्फाइड विच इज AgS एंड इट इज ब्लैक इन कलर। नाउ टार्निशिंग ऑफ कॉपर, कॉपर के यूटेंसिल्स या कॉपर से बने हुए सब्सटांसिस को जो हम यूज में लाते हैं और कुछ दिनों बाद जब उसमें एटमॉस्फेरिक एजेंट्स अटैक करते हैं तो व्हाट विल हैपन? कॉपर के साथ जो रिएक्ट करेगा Cu2 एंड मॉइस्चर, अ ग्रीन लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट will form on the surface of copper. CuCO3 will be formed and it is green in color. Okay. Now as we have studied what is corrosion, but corrosion एक अच्छा process नहीं है हमारे metals के लिए, क्योंकि metals हम use करते रहते हैं, तो उसके प्रिवेंशन के भी कुछ तरीके होते हैं, तो उससे बचाव के क्या तरीके हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नाउ व्हाट आर द मेजर्स कैन बी टेक टू प्रिवेंट कोरोजन? प्रिवेंशन, सबसे जो इजी मेथड है कोरोजन से प्रिवेंट करने का दैट इज पेंटिंग। वी कैन पेंट आवर मेटल्स, जैसे कि मेटल्स की बनी हुई डोर्स होती हैं, आयरन की बनी हुई डोर होती हैं, विंडोज होती हैं, उनको पेंट कर देते हैं, तो पेंट इसीलिए करते हैं ताकि हम कोरोजन से बचा सकें और वो ज्यादा से ज्यादा समय तक टिक सके। अगला मेथड है ऑयलिंग। हम उन विंडोज और मेटल के किसी भी चीज सब्सटेंस को हम ऑयल से अप्लाई कर सकते हैं उस पर ऑयल, क्योंकि ऑयल एक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस होता है, माने वो पानी से दूर रखता है चीजों को, इसलिए वी कैन ऑल्सो यूज ऑयलिंग टू प्रिवेंट कोरोजन। नेक्स्ट इज ग्रीसिंग। ग्रीसिंग भी एक तरह का ऑयलिंग से की तरह ही एक प्रोसेस है, जिसमें हम ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस एक सब्सटेंस होता है, बहुत ज्यादा लुब्रिकेटेड होता है, जो कि हमें, ये भी एक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस होता है जो बचाता है हमें मॉइस्चर और ऑक्सीजन से, तो ये भी प्रिवेंट करेगा कोरोजन से। नाउ द लास्ट type of prevention and which is the best method, that is alloying. Now हमने अपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था what are alloys. Alloys are the mixture of two or more than two types of metals or any other substance
ताकि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। अब जैसे आयरन है, आयरन अकेला रस्टिंग कर सकता है, रस्टिंग हो सकती है आयरन पे, बट मिक्सचर अगर हम आयरन को उसके किसी और चीज के साथ उसका मिक्सअप कर दें, एलॉय बना दें किसी और सब्सटेंस के साथ, तो फिर वो कोरोजन नहीं कर पाएगा, उस पर ये एटमॉस्फेरिक एजेंट्स अटैक नहीं कर पाएंगे। तो एलॉइंग भी एक बेस्ट मेथड है होल लाइफ के लिए सब्सटेंस को बचाने का, प्रिवेंट करने का कोरोजन से। नाउ कमिंग ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज रेंसिडिटी। नो व्हाट इज रेंसिडिटी? आपने देखा होगा घर पे मम्मी फैट एंड ऑयल के कुछ फूड तैयार करती हैं, जैसे पकौड़े हुए, जैसे कि चिप्स हुए, तो ये सारे क्या होते हैं, आफ्टर जब हम अगर ये कहीं पर रखे जाएं काफी दिन के लिए, हम इनको एक स्टोर कर दें, तो इनमें से आपने ऑब्जर्व किया होगा, खासतौर से बारिश के मौसम में हम इन्हें प्रिजर्व नहीं कर सकते, तो आपने इनमें देखा होगा कि ये इनमें से एक बैड और फाउल स्मेल आने लगती है, और ये टेस्ट में भी इनका कुछ चेंजेस रहते हैं, खट्टे खट्टे रहते हैं, तो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ऑफ रेंसिडिटी इज चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड। अब इससे बचने के लिए हम, क्योंकि ये एक तरह का ऑक्सीडेशन है, फैट एंड ऑयली फूड्स का ये ऑक्सीडेशन है, तो इससे बचने के लिए हम इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं। एंड व्हाट आर द प्रिवेंशन वी टेक टू प्रिवेंट रेंसिडिटी? प्रिवेंशन, सो देर आर मैनी प्रिवेंशन वी कैन स्टोर the food in airtight containers, as well we can package the food with nitrogen gas, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह भी काम करती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को रोकती है, तो ऑक्सीजन ही एक कारण होता है, एक एटमॉस्फेरिक एजेंट होता है विच ऑक्सीडाइज द फैट एंड ऑयली फूड। और तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज एक्सपेक्ट टू द बोर्ड एग्जाम्स, दैट इज एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है नेम एन ऑफ एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसमें हम यूज करते हैं विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई, टोकोफिरोल एंड बीएचए एंड बीएचटी। BHA is a good oxidizing, antioxidizing agent, which is butylated hydroxy anisole, butylated hydroxy toluene. Thank you for watching me.